देखो बच्चों, हमें सीखना है पीरियाडिक मोशन। बच्चों नाइन्थ के ध्यान दे बच्चों, तो क्या होता है पीरियाडिक मोशन? कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय में एक निश्चित पाथ पे बार बार ट्रेवल करे तो उसे कहते हैं पीरियाडिक मोशन। ठीक है बच्चों, जिससे जैसे समझ करो कि आप जो है एक कोई रस्सी से किसी चीज को झूला है बच्चों, वो झूला क्या होता है, हर एक सेकंड बाद आता है जाता है आता है जाता है बच्चों। फिर कोई एक ठोस चीज ले लो, उसको रस्सी से बांध के लटका दो, ऐसे से मूव करा बच्चों, ये क्या है पीरियाडिक मोशन। ठीक है बच्चों, तो जो हमने बच्चों कल सीखा था पीरियाडिक मोशन, जो हमने कल सीखा था बच्चों फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, उसको आप यहां से बहुत अच्छे से सीख सकते हो पीरियाडिक मोशन से। तो बच्चों देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, बच्चों देखो जब ये मोशन करता है देखो तो ये मैक्सिमम जितनी दूर जाता है वो इसका एम्पलीट्यूड मीन पोजिशन से। मान लिया मीन पोजिशन बच्चों ये था और आपने इसको पुश करके छोड़ दिया, तो जहां तक गया वो क्या बच्चों इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी की, टाइम पीरियड की और वेवलेंथ की। बच्चों देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप ये देख लो कि एक सेकंड में कितनी बार आया और कितनी बार गया, वो क्या बच्चों फ्रीक्वेंसी। ठीक बच्चों, हमने क्या किया देखो, समझ लो एक ठोस चीज को धागे से बांध के लटका दिया, वो सिंपल पेंडुलम कहते हैं, उसके मोशन को पीरियडिक मोशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है एक निश्चित समय में एक ही पथ को दोहराता है बार बार। ठीक बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप देख लो कि एक सेकंड में कितनी बार आया और कितनी बार गया, बच्चों क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब देखो बच्चों टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन, एक ऑसिलेशन पूरा करने में लगा हुआ समय, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियडिक टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, जैसे मान लिया आपने यहां से छोड़ा तो यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। ठीक है बच्चों, एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय बच्चों क्या है, पीरियडिक टाइम पीरियड। क्लियर हो बच्चों? तो इस प्रकार आप यहां से निकाल सको, क्लियर हो जाएगा पीरियडिक मोशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है। ठीक बच्चों, देखो इस फिगर से आप बिल्कुल क्लियर आपको हो गया फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है और टाइम पीरियड क्या है। ठीक है बच्चों, वेवलेंथ क्या होता है उसको तो ग्राफ बनाने पे क्लियर हो पाएगा, उसको यहां से क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन ये चीजें आपकी जो है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ये बिल्कुल क्लियर हो गया। एम्पलीट्यूड क्या बच्चों, मैक्सिमम जितना दूर जाएगा ये वो क्या इसका एम्पलीट्यूड है, अधिकतम दूरी मीन पोजिशन से। ठीक, टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय। बच्चों हमने घड़ी में देखा होगा कि घड़ी की जो सुई होती है वो 60 सेकंड में चक्कर पूरा करती है, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 60 सेकंड या 1 मिनट हो गया। ऐसे बच्चों ये देख लो कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, वो इसका टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या हो गया, ये आप देख लो कि एक सेकंड में कितनी बार आया कितनी बार गया। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये सब बेसिक डिफिनेशन है और ये आपका पीरियडिक मोशन है। ठीक है बच्चों, नाइन के बच्चे भी ये पढ़ लें, इसका यूज है आगे पीरियडिक मोशन का भी। ठीक है बच्चों।